गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज चश्मगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है नेटवर्क टेक्निक सीपीएम पार्ट से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, इसमें जो चीज पूछी गई है वो है हमें एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है और उसमें फ्लोट निकालने हैं। तो इसको सबसे पहले जब आपके सामने इस तरीके की कुछ चीजें दे दी जाए तो हमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि तीन प्रकार का टाइम दे दिया है, इससे हम एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमने लिख रखा है टी अपॉन छोटा सा ही लिखा है एक्सपेक्टेड टाइम का है। तो किस तरीके से निकालते हैं ये कुछ इस तरीके से, ए प्लस फोर एम प्लस बी अपॉन सिक्स, ये फॉर्मूला होता है। ए हम इसको बोलते हैं, इसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं, ये मोस्ट लाइकली टाइम ये होता है एम, और ये पेसिमिस्टिक होता है जो इसको बोलते हैं बी। तो इस तरीके से ये ए है, ये एम है और ये बी है, और चार के बीच गुणा करके छह का भाग लगाना है। तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये है ए, तो ये एक प्लस चार, एम है हमारा ये बीच वाला दो है तो दो लिखेंगे, प्लस बी हमारे यहाँ तीन है और छह का भाग लगाए। तो इसको यदि हल करके छह का भाग लगाते हैं तो ये चार दूनी आठ, आठ और तीन ग्यारह और एक जोड़ी तो बारह, तो बारह में छह का भाग लगाएंगे तो आएगा दो। इस तरीके से ये टाइम होता है दो। इस तरीके से बीच वाले का कैलकुलेटर जो एम है इसको चार से गुणा कर रहे हैं, आप जो साइड में जो देख रहे हैं दोनों को जोड़ के छह का भाग लगा रहे हैं। इसी प्रकार से दो है तो दो को अगर चार से गुणा करेंगे और ये तो आठ आ जाएंगे, आठ और तीन ग्यारह, एक बारह में दो छह का भाग लगेगा तो दो ही आएगा। इस तरीके से यहाँ एक है तो यहाँ हम चार से गुणा करेंगे, चार और फिर एक और एक साइड के दो जोड़ेंगे तो छह हो जाएगा, छह का छह में भाग लगेगा तो एक आएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम चार से गुणा करेंगे तो चार एक बारह, और बारह और दस बाईस और दो चौबीस, चौबीस में हम छह का भाग लगाएंगे तो ये आएगा चार। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये सारे आंकड़े हैं जो आ जाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी ये निकाल के रखे हैं तो समय खराब नहीं करते हुए मैं इनको आगे तो मैं इनको देख के लिखूंगा। तो मैं इनको देख के लिखता हूँ। तो हमने सबको निकाल के लिख दिया है, यहाँ तक हमने पहले निकाला था, बाकी के आंकड़े जो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे की जो चीजें हैं वो तैयार करते हैं। तो आगे की चीजों में सबसे पहले फ्लोट निकालने के लिए हमें यहाँ निकालना होगा ईएसटी, एलएसटी और एलएफटी और ईएफटी। तो ये हमें आगे और फ्लोट, ये इतनी चीजें हमें जो चीज इससे निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें इसको हम नंबर देते हैं, जिसमें एक नंबर तो होता है ये एक्टिविटी वाला और दो नंबर होता है ये, इसको नंबर देते हैं दो, ये होता है तीन, इसको नंबर देते हैं छः और ये होता है सात। छः और तीन निकालने के बाद में ये जो बीच वाले ये निकाले जा सकते हैं, जैसे कि ये चार है और ये पांच है। किस तरीके से चार किस तरीके से निकालेंगे, छः में से दो को घटाएंगे यानी छः में से दो को घटाएंगे तो ये चार आएगा, पांच कैसे आएगा, दो और तीन को हमें जोड़ना है, दो प्लस तीन को हम जोड़ेंगे तो पांच आ जाएगा, सात कैसे आएगा, सात आएगा छह में से पांच को घटा दो या चार में से तीन को घटा दो, तो छह माइनस पांच या चार माइनस तीन, ये घटाने से ये सात नंबर है जो चीज जो आ जाती है। तो कॉलम हमारे फ्लोट आ जाएंगे टोटल। तो इस तरीके से इनके कॉलम बना देते हैं और चीजें ये निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले एक से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, तो हम इसको नंबर देंगे एक, एक से दो, एक से तीन और एक से चार। इसमें एक ही जगह से आप देख रहे हैं एक से दो, एक से तीन और एक से चार, तो हमने इनको तीन सेट में जो निकाल दिया है, एक से दो तीन और चार। इसके बाद है जो दो से स्टार्ट करे, दो से छह यानी कोई एक लंबी लाइन हो जाएगी दो से छह, और इसके बाद में तीन से
को तीन से पांच, तीन से सात को लंबी लाइन जाएगी और तीन से पांच को इधर लंबी लाइन में आएगी। तो ये कुछ तरीके से है, तीन से सात हमने खींच दिया है, तीन से सात और तीन से पांच। अब है तो चार से पांच हमें खींचना है आगे, तो यदि चार से पांच लाइन मिलाना है इसको इस तरीके से। और उसके बाद में है पांच से नौ, हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो हमारा है ये लास्ट नौ ही है, तो इसका मतलब लास्ट के ये आठ और पांच दो नहीं किसी के जाके मिलेंगे। तो पांच से नौ, छह से आठ और सात से आठ, तो पांच से नौ एक बड़ी लाइन लेंगे हम इस तरीके से और इसको नंबर देंगे नौ क्योंकि ये लास्ट है। और पांच से नौ, उसके बाद में है छह से आठ और सात से आठ, और तो छह और ये सात दोनों एक दूसरे यहां मिलाते हैं आठ पे, हम इसको छह से आठ, सात से आठ और छह से आठ, सात से आठ से नौ। तो इस तरीके से ये लास्ट हमारी स्क्वायर है जो कंप्लीट हो जाती है। तो ये इस तरीके से इसका जो डायग्राम बनेगा, तो हम थोड़ा सा डायग्राम आगे बढ़ता है तो एरो के द्वारा दर्शाते हैं, तो यहाँ एरो बना देते हैं। तो ये इस तरीके से ये चीजें तो डायग्राम हमारा तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें जो ड्यूरेशन है वो लिख देनी चाहिए, तो ड्यूरेशन हमारी जो टी निकाला था ये है एक से दो में दो, और एक से तीन में है दो, एक से चार में है एक, और दो से छह में है चार, दो से छह में चार, ये डे है सारे सारे, और तीन से सात में है पांच, तीन से सात तक है उसमें पांच, तीन से पांच में आठ, तीन से पांच में है आठ, और चार से पांच में है तीन, चार से पांच में तीन, और पांच से नौ में है पांच, पांच से नौ में ये है पांच, छह से आठ में एक, छह से या आठ में एक, और सात से आठ में चार, सात से आठ में चार, और आठ से नौ में तीन। ये सब डेज है, दिन है, ये एक दिन लगते हैं किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट। अब एक से लेकर के नौ तक ये प्रोसेस चलती है, सब ये एक्टिविटी है यहाँ से स्टार्ट होकर कोई जैसे काम है ये यहाँ से इस प्रोसेस से होता हुआ नौ तक आके खत्म होता है। इतने जो बीच में दिन लगते हैं यहाँ ये अलग अलग प्रक्रियाओं में घूमता हुआ है जो काम है जो एंड में नौ बिंदु पर जाकर के जो एक्टिविटी अपना खत्म हो जाता है। तो इसमें इतने दिन लग रहे हैं इस तरीके से, तो ये तो हमने लिख लिया है। अब हमें निकालना है EST और LFT, ठीक है, जो कि हमने लिखा है तीन नंबर और ये छह नंबर है। तो ये तीन नंबर और ये छह नंबर ऐसे इस प्रकार के हमने क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, कर लिए हैं और कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में निकालूंगा इसको। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा EST, यहाँ से इसको बोलते हैं E1, तो E1 जीरो होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है कुछ नहीं होता है यहाँ। फिर E2, E2 ये है E2, यहां से यहां टाइम जो लगा है ये हो गया दो, E1 प्लस तो दो बराबर ही होता है दो, E1 यानी ये पीछे वाला और ये इसकी दूरी, तो पीछे वाला तो कुछ नहीं है जीरो है E1 तो इस तरीके से हो जाएगा दो। E3 ये है, E3 कितना हो जाएगा, E3 एक यानी E1 प्लस इसके बीच का जो टाइम है तो E1 प्लस ये दो, तो ये भी दो होता है, तो E3 भी दो है। E4 यानी E4 ये है, E4 में E1 प्लस इसके बीच की दूरी है एक, तो ये है एक ही आएगा। E5 ये है, दो रास्ते आते हैं जो बड़ा होगा बोलेंगे, तो पहला तो आता है E3 प्लस ये बीच का जो टाइम है एट, और दूसरा है E4 प्लस 3, तो E3 हमारा था दो, दो और आठ होते हैं 10, और ये E4 हमारा था एक, तो एक और तीन होते हैं 4, तो दोनों में जो बड़ा है वो 10 है, तो इस तरीके से E5 है जो आएगा 10। E6 ये है, तो E2 प्लस ये बीच का जो टाइम लगाइए E2 प्लस
टू हमने निकाला था ये था दो दो चार ये होते हैं छः, तो ई सिक्स ये होता है छः, ई सेवन क्या आते हैं ई सेवन यहां से आ रहा है तीन प्लस ये इसके बीच का जो लगा टाइम, तो ई थ्री प्लस इसके बीच का टाइम लग रहा है पांच, ई थ्री हमारा हमने निकाला था दो, दो और पांच होते हैं सात, तो ये हो गया सात, ई एट ये है, ये दो जगह से आ रहा है यहां से और यहां से, दोनों में तो बड़ा होगा होंगे, तो पहले ई सिक्स से लिखेंगे, ई सिक्स प्लस आगे का टाइम लग रहा है वो है एक, हमने निकाला था ये था छह, छह और एक होते हैं सात, और दूसरा जो इधर से रास्ता है ई सेवन से, ई सेवन प्लस चार, तो ई सेवन हमने निकाला था सात है सात और चार होते हैं ग्यारह, इन दोनों में बड़ा है वो है ग्यारह, तो ई एट है जो ग्यारह बचेगा, ये ग्यारह आ गया। लास्ट में ई नाइन, ई नाइन दो तरीके से, तो पांच से होते हुए एक आठ से होते हुए, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो लेंगे, तो पहले पांच लिखता हूं मैं, ई फाइव प्लस ई फाइव दस है, इसके बीच का आगे का टाइम जो वो पांच है, तो दस और पांच होते हैं पंद्रह, और इधर से लेते हैं ई एट प्लस आगे का टाइम, ई एट है ग्यारह, तो ई एट प्लस आगे का टाइम है तीन, तो ग्यारह और तीन होते हैं चौदह, तो इस तरीके से इसमें जो बड़ा टाइम है जो ऊपर वाला पंद्रह है, तो ये आ जाएगा पंद्रह, तो ई नाइन है जो पंद्रह हो जाएगा, ई नाइन इज इक्वल फिफ्टीन, ये इस तरीके से हमने सारे के सारे निकाल लिए। अब बात करते हैं एलएफपी की, तो ये तो आंकड़े आए हैं हम यहां लिखेंगे ईएसपी को, तो मैं लिख देता हूं एक बार, तो यहां सबसे पहले ये है जीरो, तो ये इंटरनल कैलकुलेशन बाद में करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इनको बाद में फिलअप करेंगे, तो एलएफपी निकालते हैं, तो एलएफपी सबसे पहले यहां से उल्टी साइड नाइन से स्टार्ट होगा, इसको एल नाइन बोलेंगे, एल नाइन पंद्रह ही होगा, इसको एल नाइन बराबर पंद्रह लिखेंगे, तो ये पंद्रह, फिर एल एट यहां नौ में से ये जो बीच का टाइम घटाएंगे, तो L9 माइनस 3, तो 9 हमारा था 15, 15 में से 3 जाएगा तो आएगा ये 12, तो यहां लिखेंगे L8 इज इक्वल 12, तो इसमें से इसके बीच का टाइम को हम लोग घटा देते हैं, फिर L7, L7 ये है 8 में से बीच का टाइम घटाएंगे, L8 माइनस 4, L8 हमारा था 12, 12 में से 4 जाएंगे तो आएगा 8, तो L8 इज इक्वल 8, पर L7 नहीं है, L7 इज इक्वल 8, L6, L6 ये है 8 में से 20 का टाइम घटाएंगे तो L8 माइनस 1, L8 हमारा था वो था 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, तो यानी लिखेंगे L is equal 11, L5 है जो कि ये है 9 में से ही बीच का रास्ता घटाएंगे तो L9 हमारा था 15 और इसमें से घटाएंगे हम ये इसकी दूरी 5, 15 में 5 जाएंगे तो बचेगा 10, तो L5 ये आ गया है 10, L4 है जो कि यहां है 5 में से इसको घटाएंगे L5 माइनस ये इसके बीच की दूरी 3 है, L5 हमारा आया था जो कि 10 था, 10 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 7, तो E जो L4 है हमारा ये आएगा 7, L3 दो जगह से आया इधर से और इधर से, तो जो छोटा होगा वो लेंगे पहला L7 माइनस L7 में से 5 घटाएंगे, L7 था हमारा 8, 8 में से 5 जाएंगे बचेगा 3, दूसरा है ये L5, L5 में से हम घटाएंगे बीच की दूरी 8, L5 का 10, 10 में से 8 जाएंगे बचेगा 2, इन दोनों में तो छोटा है वो है 2, तो L3 है ये हो जाएगा 2, फिर L2 है ये
6 में से बीच की दूरी घटाएंगे, L6 माइनस 2, L6 हमारे देखा किया है 11, 11 में से ये इसकी बीच की दूरी 4 है, ये 4 घटाएंगे तो आ जाएंगे अब 5, तो L2 है ये आएगा 5, यानी 11 में से इसकी बीच की दूरी घटा देंगे, ये 11 L6 हमारा था 11, 11 में से ये 4 घटाएंगे तो ये आएगा 11 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 7, ये आएगा 7, और फिर है L1 यहाँ 3 जगह से आ रहा है तो छोटा होगा कोई नहीं, तो पहला तो है L2 माइनस 2, दूसरा क्या है L2 हमारा कितना था 7, 7 में से 2 जाएंगे तो आएगा 5, दूसरा है L3 में से बीच की दूरी घटाएंगे ये 2 है, L3 हमारा था 2, 2 में से 2 हो जाएगा 0, फिर है L4 में से 1 घटाएंगे, L4 हमारा था 7, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, इन सबसे छोटा है वो 0 है तो इसलिए L1 हमारा वो बचेगा 0, L1 बराबर 0, तो इस तरीके से हमें इनका सबका जो मान है लिख लिया है, तो ये सारे हमारी चीजें आ चुकी है, अब हमें इनमें आंकड़े फिलअप करने और इनको जोड़ बाकी करना है, तो सबसे पहले हम ESC निकालते हैं, ESC इधर देखा जाता है यानी स्टार्टिंग से, यानी एक पर E का मान कितना है, ठीक है, तो एक पर आप देख रहे हैं एक एक्टिविटी पे E का मान 0 है तो मैं लिखूंगा 0, फिर एक पे भी 0 है, फिर एक पे आगे 0 है तो E1 है, एक का मतलब होता है E1 पे इसका मान कितना वो लिखना है, तो ये 1 है तो E का है, E1 तो जो मान है आपने जैसे किया है 0 लिख दिया है, आगे E2 है, E2 आप देख रहे हैं कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर 3 है तो ये E3 है, E3 का मान है जो कि 2 ही है तो ये E3 दो बार है, फिर 4 है तो E4 का मान है वो 1 है तो 1 लिखेंगे, E5 है आगे तो E5 का मान है वो है 10, E5 का मान 10 लिखेंगे, E6 देखते हैं तो मान है इसका 6, E7 हमारा है 7, और E8 है जो कि इसका मान है वो है 11, तो इस तरीके से हमने E पर जितने ये मान है 8 पे 2 पे 4 पे वो सारे हमने यहाँ लिख दिए हैं, अब यहाँ 6 नंबर लिखेंगे, ये L है यानी LFT, ये यहाँ जो टाइप में वो लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे 2, तो L पे जो 2 कितना है, ये 2 L का टाइम है, ये L 2 पे देखेंगे तो L2 ये 7 है तो यहाँ 6 नंबर पे लिखेंगे 7, फिर 3 है तो 3 पे देखेंगे कितना है L का मान तो ये है 2, फिर है L4 पे देखेंगे L का मान तो ये है 7, और फिर 6 तो 6 पे L6 का मान 11 लिखेंगे, उसके बाद में 7 पे हम देखेंगे L का मान है जो कि है 8, और उसके बाद 5 पे L का मान है जो कि 10 है, फिर दोबारा 5 है तो यहाँ L का मान 10 है, फिर 9 है तो 9 पे हम देखेंगे 15 है, और 8 पर देखेंगे L का मान है जो 12 है, तो दो बार यहाँ 8 दो बार है तो इस दो बार में 12 लिखना है, और लास्ट में 9 है तो 9 का ये 15, तो इस तरीके से सबका जो मान हमने जिस तरीके से था वैसे लिख दिया है, अब ये निकालते हैं, इसका निकालने का मैंने बताया आपको कि 4 कैसे निकालते हैं, 6 में से 2 को घटाना, तो 7 में से इसको घटाऊंगा मैं इस 2 नंबर खाने को, 6 में से 2 को खाने घटाऊंगा तो ये यहाँ तो 4 आएगा, तो ये 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 3, और 10 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 2, और 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 12 में से 1 घटाते हैं तो 11, 12 में से 7 घटाते हैं तो आता है 5, और 15 में से 3 घटाते हैं तो आता है यहाँ 12,
इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो सात में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा पांच, पांच में से जीरो जाएगा तो भी पांच आएगा, दो में से दो घटाएंगे जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो, हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन में जो सही है गलत है। सात में से एक घटाएंगे तो छह, छह में से जीरो घटाएंगे तो भी छह आते हैं, तो हमें इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से घटा लो, यहाँ लिखना है छह में से ग्यारह घटाएंगे तो आएगा पांच, सात में से दो घटाए तो भी पांच आता है, आठ में से सात एक, तीन में से दो भी एक, दस में से दस जीरो, दो में से दो जीरो, दस में से चार गए छह, सात में से गए छह, पंद्रह में पंद्रह जीरो, दस में दस जीरो आएगा, बारह में सात गए पांच, ग्यारह में से छह गए पांच, बारह में से ग्यारह एक, और यहाँ पांच में से सात, यहाँ हमने थोड़ा सा आंकड़ा जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा शायद, तो दोबारा से इसको एक बार टोटल कर लेते हैं कि चार नंबर में कैसे निकाला था, छह में से और दो को घटाना है, तो यहाँ हमने बारह में से चार घटाया तो यहाँ आठ आएगा, तो यहाँ आठ करेंगे, ठीक है, तो बारह में से ग्यारह जाएगा एक और आठ में से सात जाएगा एक, तो इस तरीके से आपको यदि कहीं मिस्टेक गलती से हो गया है तो भी वो पकड़ में आ जाती है कि आपने जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं करी है। चौदह में से पंद्रह में से चौदह जाएगा तो भी एक आता है, और बारह में से ग्यारह जाएगा तो भी एक ही आता है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें हमको दिक्कत नहीं है, तो इसमें आप इसके आधार पर बता सकते हो कि जो सबसे जो अभिष्ट पथ है हमारा वो अच्छा कौन सा है, ठीक है, तो इसमें जहां जीरो आए हैं उनको आप टिक मार सकते हो, जीरो सबसे पहले एक से तीन, यहां लिख सकते हैं एक से तीन, ये जीरो है जो कि तीन से पांच, तीन से पांच का है, और ये जो जीरो है ये पांच से नौ, पांच से नौ, तो हमारा अभिष्ट पथ यही है, और इसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है वो हम जोड़ सकते हैं, तो इसमें लग रहा है दो प्लस, इसके बाद भी इसमें लग रहा है तीन से पांच में छह प्लस छह प्लस, लास्ट में पांच से नौ लग रहा है पांच, तो ये छह और पांच ग्यारह दो तेरह, हम इधर से भी जोड़ सकते हैं, यहां पर नौ पर पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग रहा है तो देख लेते हैं, सबसे बड़ा हमारा इसमें टाइम वो तेरह है, दरअसल देखते हैं कि दो और छह, दो और चार छह, छह एक सात, सात और तीन दस, तो ऊपर से इस रास्ते से एक से दो, दो से छह, छह से आठ, आठ से नौ आते हैं तो दस लगता है, इधर से चलते हैं दो एक से तीन, तीन से सात, सात से आठ, आठ से नौ पे आते हैं तो देख सकते हैं कितने, दो और पांच सात, सात और चार ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह, तो इसमें चौदह लग रहे हैं, तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं, इसमें चौदह टाइम लग रहा है, और इधर से देखते हैं तो एक से तीन, तीन से पांच, पांच से नौ, तो इसमें देखेंगे दो और ये आठ, ये है दस और पांच पंद्रह, और इधर से चलते हैं हम एक से चार, चार से पांच और पांच से नौ, यहां देखते हैं एक और तीन चार और पांच नौ, तो इस तरीके से देखें तो बीच वाले जो रास्ते है इनमें चौदह और पंद्रह है, तो सबसे जो लंबा रास्ता है वो उसमें हमारा टाइम है जो कितना लग रहा है वो पंद्रह लग रहा है, तो एक बार दोबारा से मैच करते हैं इसको, तो इस तरीके से देखें तो सबसे जो लंबा रास्ता हमारा ये है जो पंद्रह वाला है, हमने थोड़ा मिस्टेक किया, गलती से तीन से पांच के बीच में छह टिक दिया है जबकि यहाँ आठ है, तो इस तरीके से ये तेरह न होकर के यहाँ पंद्रह होगा, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक से तीन, तीन से पांच और पांच से नौ, एक से तीन, तीन से पांच और पांच से नौ, ये हमारा जो अभिष्ट पथ है क्योंकि हमने लिख रखा है पहले से ही, तो इसको थोड़ा और गहरा कर देते हैं और ताकि इसमें पता चल जाए आसानी से, और ये जो रास्ता हमारा क्या होगा अभिष्ट पथ होगा, ठीक है, और इसमें टोटल जो टाइम लग रहा है दो आठ दस और पांच पंद्रह, तो सबसे ज्यादा जो टाइम इसमें लग रहा है वो पंद्रह है, हमारा तो रास्ता है एक से नौ तक हमने निकाले हैं, तो जीरो जीरो है इनको हम ले सकते देखेंगे तो हम सीधे ही निकाल सकते हैं कि जहाँ जीरो आ रहा है वो कौन सी एक्टिविटी है, उसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है जैसे कि दो उसके बाद में आठ, ये दो है ये आठ है और ये पांच है, तो इनको आप जोड़ लेंगे इनको आपको पता चल जाएगा कि ये पंद्रह हो रहा है, तो ये इस तरीके से जो सबसे जो लंबा रास्ता है इसको अभिष्ट पथ के नाम से जानता है, क्रिटिकल पाथ सीपी हमारा यही होगा, तो सीपी इस तरीके से तो कहेंगे क्रिटिकल पाथ सीपी इज़
50 और ये 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 9। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।